वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। जैसा कि आप जानते हैं कि शीतला प्रसाद ओझा अभी हाल ही में गए हुए थे लखनऊ। सचिवालय में आला अधिकारियों से वार्ता हुई, शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई, उप मुख्यमंत्री से वार्ता हुई और छात्रों को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही टीजीटी पीजीटी 2022 पर फैसला किया जाएगा। आज ये छात्र फिर से चयन बोर्ड पर पहुंचे हुए थे। सुनिए क्या लेटेस्ट अपडेट है। आज 19 तारीख सन 2023 के अभी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय श्री डिप्टी सचिव नवल किशोर जी से दो टूक वार्ता हुई और उस वार्ते में हमारे तमाम भाई थे प्रतियोगी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी मामला है वो शासन स्तर का हो गया है। आप लोग धैर्य के साथ तैयारी करिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय ब्रजेश पाठक, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य और माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया गुलाब देवी जी से दो टोक वार्ता हुई उनको, और माध्यमिक शिक्षा प्रमुख सचिव दीपक कुमार उत्तर प्रदेश शासन से वार्ता हुई और उस वार्ते में पूरी चीज सामने निकल के आई कि यह मामला अब शासन स्तर का है। तो सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी तैयारी धैर्य के साथ करें। अब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा नए आयोग से होगी या पुराने आयोग से, वो शासन कैबिनेट की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। और जो लोग ये कहते हैं कि माननीय मंत्री के पास नहीं गए थे, खबरें झूठी हैं, मैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि अब आप भी सुन लो, अगर आपकी हिम्मत है तो फोन करके पता कर लो। नेताओं के तरीके से भाषण मत दिया करो, प्रतियोगियों को गुमराह करने का काम मत किया करो, ठीक है। पता नहीं कितने नेता आए और गए, इसलिए सभी साथियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अपनी तैयारी धैर्य के साथ करें। निश्चित तौर पर 5 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश शासन से जो भी होगा अवगत कराने का काम किया जाएगा। और सचिव साहब दीपक कुमार जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने कहा कि चयन बोर्ड के चेयरमैन को आप लोग परेशान मत करिए। भाई जब शासन ने उनको रखा है तो हमें क्या जरूरत है इस बात को। भाई मंथन चल रहा है शासन स्तर पे और जिसको नेतागिरी चमकाना है वो चमकाएगा ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके संघर्षों का साथी शीतला प्रसाद ओझा। इसी के साथ साथ दोस्तों विकी खान जी का भी धरना प्रदर्शन आज समाप्त हो गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह आए थे यहाँ पर और धरने को समाप्त करवा दिया गया। 16वां दिन था आज क्रमिक धरना प्रदर्शन का और इन छात्रों को भी आश्वासन दिया गया है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा। पोर्टल खुलने का आश्वासन दिया गया है सीटों में वृद्धि को लेकर। परीक्षा तारीखों पर विचार कैबिनेट की मीटिंग के बाद होगा। अभी यह डिसाइड नहीं हुआ है कि परीक्षा नए आयोग से होगी या चयन बोर्ड से होगी। तो आज विकी खान का भी क्रमिक धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। ये रही दोस्तों आज की वीडियो में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।